डेरा सच्चा सौदा का रूहानी स्थापना महा का पावन भंडारा रविवार को हिमाचल प्रदेश की सात संगत ने चचिया नगरी स्थित सचखंड धाम में बड़ी श्रद्धा व उल्लास के साथ मानवता भलाई के कार्यक्रम मनाया। पावन भंडारे की खुशी में आयोजित नाम चर्चा के दौरान मानवता भलाई कार्य को गति देते हुए 129 बच्चों को खिलौने व 11 जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। नाम चर्चा में उमड़े सात संगत के जन सैलाब में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर दृढ़ विश्वास व श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला और सात संगत के उमड़े भारी इकट्ठ के आगे प्रबंधन द्वारा किए गए सारे इंतजाम छोटे पड़ गए। नाम चर्चा में पहुंची सात संगत ने 138 मानवता भलाई कार्यों में एकजुटता के साथ भाग लेने का हाथ खड़े कर संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उपस्थित सात संगत को पावन महीने की बधाई देते हुए राज्य के जिम्मेवारों ने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हमेशा समाज का भला किया है और सात संगत को भी ऐसा करने की सीख दी है। पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं की बदौलत आज भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी 138 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर विशेष रूप से नगरोटा विधानसभा के विधायक अरुण कुमार कुका ने सात संगत में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वह सात संगत द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने इस अवसर पर सात संगत को भंडारे की बधाई भी दी। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी एक ऐसा स्थान है जहां पर ये भंडारे का आयोजन करते रहते हैं। वहां पर लोग काफ़ी मात्रा में जाते हैं, मुझे भी 2-3 बार वहां जाने का मौका मिला और आज यहाँ पर चचिया नगरी में जो कार्यक्रम आज गुरु जी की स्थापना दिवस के दौरान रखा है उसमें मुझे निमंत्रण दिया था और बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे यहाँ पर सात संगत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो गुरु महाराज हैं धन धन सतगुरु सच्चे सौदे वाले, उनके यहाँ इस डेरे में आकर के जो प्यार भाव यहाँ से बांटा जाता है, जो गरीब लोगों के प्रति चेतना जगाई जाती है, जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियों में ये जो सात संगत हिस्सा लेती है, इससे समाज के हर वर्ग को बहुत सारा फायदा मिलता है, जागरूकता मिलती है। स्वच्छता अभियान में भी इनके बहुत अच्छे कार्यक्रम मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसे स्थानों पर आकर इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और खुशी भी प्राप्त होती है। सर, आपने मानवता भलाई के कार्य की बात की है, आज भी आपने मानवता भलाई के कार्य की रफ्तार को बढ़ाते हुए कंबल बांटे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कंबल तो इनके द्वारा ही लाए गए थे, मुझे तो केवल ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनके द्वारा लाई गई सामग्री को यहाँ पर वितरित करने के लिए मुझे इन्होंने मौका दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान प्रदेश के जिम्मेवारों के साथ सात संगत ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूज्य गुरुजी पर दृढ़ विश्वास आस्था व्यक्त करते हुए मानवता भलाई के कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। अंत में उपस्थित सात संगत को कुछ ही मिनटों के अंदर भोजन खिला दिया गया। हमने पिताजी के मुख से सुना था कि एक कूंज जो होती है, कूंज वो कितना दूर रह करके अपने अंडों को इतनी अपनी वो उससे उसको सहती है, लेकिन इस बार जब हमने 5 साल के बाद जब ये पिताजी की रहमत की बरसात देखी जो कि कल्पना से परे है, उनका विशेष प्रेम हिमाचल के प्रति इन भंडारों के रूप में 4 भंडारे हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमीरपुर में हुआ, फिर पौंटा साहब सिरमौर में हुआ, फिर तीसरा धर्मशाला में हुआ और आज नगरी में। पूरी संगत सोच नहीं पा रही, ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना है और संगत पूरी इतनी विराग में है। इससे पहले 5 साल तक ऐसे लग रहा था जैसे मालिक की फुलवाड़ी बिल्कुल सूख गई है। इन भंडारों ने इतनी बारिश रहमत की जिसका हम पिताजी का जितना धन्यवाद करें वो बहुत कम है। चचिया नगरी से MK शायना की रिपोर्ट।